हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर हमारा इस जो बुक है अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, आज उसका लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो है फोर्थ यूनिट में ही है, यानी कि वेक्टर स्पेस जो है सदिश समष्टि, इसकी परिभाषा, ठीक है, और वेक्टर सब स्पेस उप समष्टि, उसकी परिभाषा और कुछ रूल्स जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी, वो है चैप्टर नंबर 4 में। बाकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5th में आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पूरा ही अच्छे से करना है, बहुत काम का है अपना ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर इस में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने अब तक ग्रुप के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा बीज पद्धति, वलय, फील्ड क्षेत्र पढ़ा, उसका अध्ययन किया, ठीक है। जिन परिभाषाओं में एक अरिक्त समुच्चय पर एक या दो आंतरिक द्विज संक्रिया होती है, ठीक है, एक या दो आंतरिक द्विज संक्रिया होती हैं। और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आबेली ग्रुप है, एक फील्ड है और एक बाह्य संक्रिया होगी, और जो ग्रुप और फील्ड दोनों पर ही एक ही निकाय में क्या करेगी, संयोजित करेगी, ठीक है। इस अध्याय में हम जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक बाह्य संक्रिया के अंतर्गत ग्रुप और फील्ड के समायोजन से जो प्राप्त होता है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बाह्य संक्रिया क्या होती है, आंतरिक संक्रिया क्या होती है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सदिश समष्टि किसे कहते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर आंतरिक व बाह्य संक्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। आंतरिक और बाह्य द्विचर संक्रिया, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन जो हम यहां पर करने वाले हैं उसके की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। यदि वी एक अरिक्त, ठीक है, नॉन एम्प्टी, एक अरिक्त समुच्चय है तो प्रतिचित्रण एफ वी क्रॉस वी से वी पर एक आंतरिक द्विचर संख्या कहलाती है, ठीक है, आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। देखिए दोबारा ध्यान से कि V क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी एक सेट है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। माना लेट हमारे पास दो सेट है, एक तो है A प्लस और एक है B प्लस डॉट, हम मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हमको एक तो आंतरिक और बाह्य दोनों संख्या लेनी है, मैं एक बार समझा देता हूं उनको। यहां से मान हमने लिया एक एलिमेंट अल्फा, ठीक है, और ये तो है प्लस की संक्रिया, यहां पर है प्लस और डॉट दोनों संक्रियाओं के लिए, ठीक है। प्लस की संक्रियाओं में मैंने प्लस लगाया, अल्फा बीटा जो है दोनों कहां से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं, ठीक है। अब जब इनको हमने ऐड किया, प्लस किया, तो दोनों का प्लस करने बाद जो एलिमेंट आएगा वो कहां से आना चाहिए, ए में से आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो प्लस है वो ए के लिए क्या कहलाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि ए क्रॉस ए टेंस टू ए, दोनों एलिमेंट कहां से लिए, अल्फा बीटा ए में से लिए, अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी कहां से आ रहा है, वो ए में से आ रहा है। तो जो ऑपरेशन प्लस है वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कराएगा, इंटरनल वाला, ठीक है, कौन सा कराएगा, इंटरनल। तो आपके पास इस तरह की जो टर्म बनती है ए क्रॉस ए टेंस टू ए, यानी कि दो जो एलिमेंट यहां से आ रहा है, दोनों एलिमेंट यहां से आ रहे हैं, ऐड करने के बाद भी वो टर्म उसी में से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल ऑपरेशन। अब बात आती है आपके पास एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। तो देखिए मान लेते हैं आपने एक एलिमेंट तो लिया ए में से, ठीक है, एक एलिमेंट लिया आपने मान लो अल्फा, और एक एलिमेंट लिया आपने बी में से,
और ये ले लिया मान लो ए, आपने संख्या कराई डॉट ए डॉट अल्फा, ठीक है, ए डॉट अल्फा जो आपने किया, तो ए डॉट अल्फा करने के बाद जो भी वैल्यू आई, मान लो ये बीटा आई, ठीक है, वो कहाँ से आनी चाहिए, ए में से आनी चाहिए, ठीक है, तब जो डॉट है वो क्या कहलाएगा, डॉट कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बात ऐसी है कि आपके पास जब एक्सटर्नल की बात की जा रही है तो ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट आना चाहिए ए में से, दूसरा एलिमेंट आना चाहिए बी में से, ठीक है, और दोनों का क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा किस में से, ए में से, यानी कि पहले वाले सेट में से, यानी जिसकी जिसकी संक्रिया आ रही है, डॉट किसी संक्रिया है बी की, जिसकी संक्रिया आ रही है उसमें से सेट नहीं आएगा, जो रिजल्ट है बीटा है वो कहां से आएगा, पहले वाले सेट में से आएगा, और संख्या किसकी आएगी, ऑपरेशन किसका आएगा, इस बी का, ठीक है, एक एलिमेंट यहां से एक एलिमेंट यहां से, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए ए में से, तब हम क्या कहेंगे, डॉट को कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। देखिए अभी हमने क्या पे क्या दिया, वी क्रॉस वी टेंस टू वी, जैसे मैंने कहा ए क्रॉस ए टेंस टू, यानी कि दोनों एलिमेंट वी के और आर एम किस में चाहिए, वी में आना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये मैं लिखूंगा एफ ए क्रॉस बी और टेंस टू ए, ठीक है, दोनों अलग हो गए ना, यहाँ पे एफ हो गया तो यहाँ पे जी ले लो, मैं लिखने का तरीका आना चाहिए आपको कि जी ए क्रॉस बी टेंस टू ए, ए को बी से मैंने संक्रिया कराई तो कहां से आना चाहिए, ए में से आना चाहिए, यानी एंड में वापस से, अगर मैं यहाँ पे वी की बात करूं तो जी, और मैं यहां पर वी की जगह ले लेता हूं, मतलब कैपिटल एफ ले लेता हूं, एफ क्रॉस वी टेंस टू वी, ऐसे आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, बाह्य द्विचर संक्रिया, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहां पर, समझ में आया आपको, कि माना एफ तथा वी दो, एफ तथा वी दो क्या हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, तो प्रतिचित्रण जी एफ क्रॉस वी टेंस टू वी, यानी कि एक एफ अलग सेट हो गया, वी अलग सेट हो गया, इससे पहले वाले में दोनों सेट सेम सेम थे, ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम सेम अलग आया, वहां पे सेम सेम होता है, और ये एक क्या कहलाती है, बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है, ठीक है, इसमें एफ तथा वी के गुणनफलों, तो क्या पेपर में लिखना है परिभाषा, ठीक है, बाह्य द्विचर संक्रिया की परिभाषा, तो पेपर में लिखोगे आप तो प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर आपको परिभाषा आएगी तभी तो नंबर मिलेंगे आपको, तो इसमें क्या बताते हैं कि एफ और वी के अवयवों का क्या होता है, गुणन होता है, ठीक है, के अवयवों का गुणन गुणन फल वी का अवयव होता है, ठीक है, समझ में आ गया, आप समझाया था जो चीज, कि एक तो था हमारे पास ए क्रॉस ए टेंस टू ए, इसे याद कर सकते हो आप, और एक था ए क्रॉस बी टेंस टू ए, ठीक है, दोनों में रिजल्ट तो ए से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो संक्रिया है प्लस की, यहाँ पर संक्रिया किसकी है, डॉट की, ठीक है, तो डॉट की है तब तो क्या आएगा, बाह्य संक्रिया, और जब प्लस की बात हो रही है तब क्या आएगा, आंतरिक, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, इसमें मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ठीक है, मैट्रिक्स के समुच्चय ए में मैट्रिक्सों का योग करो या गुणन करो तथा तो गुणन, ठीक है, आंतरिक होती है, क्योंकि ए से ए क्रॉस ए करो तो ए ही आएगा, जो एलिमेंट आएगा वो ए में से आएगा, मैट्रिक्स के समुच्चय ए में मैट्रिक्स का योग तथा गुणन आंतरिक
द्विचर संक्रिया होती है, आंतरिक द्विचर संक्रिया होती है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास बाह्य द्विचर संक्रिया जो होती है वो आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स का समुच्चय ए और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, ठीक है। उसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो ए क्रॉस आर, ठीक है। ये तो है मैट्रिक्स और ये है रियल नंबर्स, ठीक है। तो फर्क तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। आप संक्रिया करा के देख लो, आपको मैट्रिक्स की फॉर्म ही आएगी। अगर एक तो है आपके पास मैट्रिक्स और दूसरा है अगर आपके पास रियल नंबर का सेट, तो अगर तो संक्रिया कराओगे क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे यानी कि मल्टीप्लाई कराओगे तो ए में से ही एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट आएगा वो ए में ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पे सबसे समष्टि यानी कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करेंगे और उसका करेंगे एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सदिश समष्टि की परिभाषा क्या होती है और एग्जांपल बताएंगे इसमें, ठीक है। डेफिनेशन देखिए एक, ठीक है, एक विषयवस्तु वी प्लस जा प्लस अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय वी में आंतरिक संक्रिया है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास फील्ड एफ प्लस और डॉट, एफ प्लस डॉट पर सदिश समष्टि कहलाती है। कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे इसको तभी सदिश समष्टि बनेगी। सदिश समष्टि कहलाती है यदि क्या, नंबर एक वी प्लस एक आवेली ग्रुप है, वी प्लस क्या है एक आवेली ग्रुप है, ठीक है। और हम वी के अवयव कह सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। वी के एलिमेंट क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, वी प्लस क्या होना चाहिए, आवेली ग्रुप होना चाहिए, प्लस क्या है आंतरिक संक्रिया है, यानी कि जो भी प्लस के लिए करोगे वो उसी में से आएंगे वी में से एलिमेंट, ठीक है। तो एफ प्लस डॉट एक फील्ड है, एफ प्लस डॉट क्या है एक फील्ड है यानी कि क्षेत्र है, एक फील्ड है जिसके योज्य और तस्मक अवयव जो हैं योज्य तथा गुणात्मक ठीक है, योज्य तथा गुणात्मक तस्मक अवयवों को लिख सकते हैं, तस्मक अवयवों को जीरो तथा एक से निरूपित करते हैं, ठीक है। और एफ समझ में आ गया। अब जहां पर डॉट संक्रिया है ना, डॉट एक बाह्य संक्रिया होनी चाहिए, पहली बात तो ये है बाह्य संक्रिया है, डॉट एक बाह्य संक्रिया है जिसमें इसके अंतर्गत क्या है आपके पास बताइए, अल्फा अगर आता है मान लो एफ में से, ठीक है, स्मॉल वी आता है मान लो कैपिटल वी में से, तो आप अल्फा डॉट वी अगर कराते हो तो कहां से आएगा, कैपिटल वी में से आएगा मतलब इस वी में से आएगा, ठीक है। तथा हमारे पास मान लो अल्फा वन अल्फा टू, ठीक है, अल्फा वन अल्फा टू आता है एफ में से और वी वन वी टू आता है वी में से, तो सेकेंड रूल क्या होना चाहिए, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, ठीक है। यानी कि अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू, ये प्लस तो है आंतरिक संक्रिया, डॉट है बाह्य संक्रिया, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अल्फा वन डॉट बी वन प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ना अल्फा वन डॉट बी वन प्लस अल्फा वन डॉट बी टू। नंबर थर्ड अदिश योग पर बंटनता, अदिश योग बंटनता क्या हो जाएगी, अल्फा वन प्लस
अल्फा टू, डॉट लगाओगे आप वी वन के साथ, अल्फा वन डॉट वी वन प्लस अल्फा टू डॉट वी वन, ठीक है। ध्यान से देखिए, अरिश योग पर बंटता है, गुणन के लिए बंटता है, गुणन के लिए बंटता है योग पर, तो डॉट तो आ जाएगा बीच में और प्लस आ जाएगा यहाँ पर इस कॉमन में, ठीक है। और क्योंकि आपस में हम इसको पैक भी करना होगा, तो इसे ध्यान रखना कि प्लस वाली संख्या जो है वो वी वन और वी टू के लिए आएगी और डॉट जो है फिर कॉमन हो जाता है, ठीक है। कई बार हम थ्योरम्स करेंगे उसमें इसको तो मान के चलेंगे ही, इसको ये तो हमें मिलेगा, इससे हमको ये लिखना पड़ेगा कई बार। तो अदिश योग पर बंटनता, योग अंदर प्लस और डॉट बाहर, तो अदिश योग तो होगा ये प्लस, और सदिश योग क्या होगा ये वाला प्लस, ये तो क्या है सदिश योग और ये क्या है अदिश योग, ठीक है। समझ आ गया, ये डॉट के यहाँ पास अदिश गुणन, ठीक है, गुणा तो हमेशा अदिश ही रहेगा। और नंबर फोर्थ है आपके पास अदिश गुणा के लिए साचर रहता, अदिश गुणा के लिए साचरता, तो साचरता हम बता रहे हैं हो जाएगी आपके पास अल्फा वन डॉट अल्फा टू डॉट वी वन, ठीक है। साचरता अदिश गुणा के लिए बात हो रही है, तो गुणा यहाँ पर बाहर भी रहेगा और अंदर भी, अब बस खाली ब्रैकेट चेंज करना है, अल्फा वन डॉट अल्फा टू, ठीक है, और डॉट वी वन, ठीक है। दो अदिश, ये अदिश होते हैं, ये सदिश होता है, दो अदिशों के बीच में जो गुणा लिखते हैं तो अदिश ही माना जाएगा, चाहे वो आप डॉट ऐसे लगाओ चाहे सिंपल डॉट लगा दो, ठीक है, वो हमसे क्या माना जाएगा अदिश ही माना जाएगा, ठीक है। और नंबर फिफ्थ जो है वो है वन इंटू वी वन बराबर वी वन, यानी कि वन एक जो है ना एक वो अवयव, एक अवयव संक्रिया किसके लिए डॉट के अंतर्गत एफ का क्या होना चाहिए तस्मक अवयव होना चाहिए, एफ का तस्मक अवयव होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पांच रूल जो आपके पास हैं, इन पांच रूलों को मिलाकर आपके पास क्या बनता है सदिश समष्टि बनती है। पांच रूल कौन कौन से दोबारा देख देते हैं एक बार, फर्स्ट तो है वी प्लस के लिए क्या होना चाहिए एक आबेली ग्रुप, प्लस के लिए वी के एलिमेंट का वेक्टर बोलते हैं, और एफ जो है वो एक फील्ड होता है क्षेत्र, क्षेत्र के रूल को फॉलो करेगा। जीरो और एक क्या होती है योग के लिए, जीरो होती है योग के लिए और गुणा के लिए कौन होती है वन, कौन तस्मक अवयव, ठीक है। डॉट क्या है इसकी बाह्य, ठीक है, डॉट क्या है बाह्य संक्रिया है जिसके अंतर्गत अल्फा बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी, अल्फा डॉट वी बिलोंग्स टू वी हो जाएगा, कैपिटल वी में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है बाह्य संक्रिया की होती है, आपको पता ही है, एक एफ में से आए दूसरा वी में से आए, वी यानी कि वेक्टर में से आए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट किस में आना चाहिए वेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि आपको तो ए और बी माना था हमने, अब ए और बी में से तो आपको ए और बी समझ आता है कौन सा ए और कौन सा बी है, तो आप ऐसा रखो कि वेक्टर में से आना चाहिए जो भी मल्टीपल होने के बाद, ठीक है। अल्फा वन अल्फा टू अगर एफ में से आ रहे हो, वी वन वी टू बी में से के एलिमेंट हैं, तो उसके लिए होना चाहिए अदिश गुणन, गुणा के लिए बंटन था गुणा बाहर योग अंदर, फिर अदिश योग पर तो योग बाहर अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अदिश योग है तो अदिश नंबर आएंगे, ठीक है, अदिश योग है तो अदिश नंबर के साथ में आएगा, ठीक है। अदिश गुणन है तो खाली एक गुणन है और योग पर, ठीक है, इसको आराम से देख सकते हो आप, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अदिश गुणा के लिए साचर्यता नंबर फोर, और उसके बाद है साचर्यता में देख लो आप अल्फा वन अल्फा टू अदिश गुणा के लिए साचर्यता है, ठीक है, अदिश गुणा के लिए, तो अदिश नंबर ज्यादा रहेंगे किसकी साचर्यता योग पर, ठीक है, अल्फा वन अल्फा टू यहाँ पर ब्रैकेट चेंज हो जाएगा और वी वन आ जाएगा बाहर, फिर वन इंटू वी वन बराबर वी वन अवयव संक्रिया डॉट के अंतर्गत एफ का क्या हो जाएगा तस्मक अवयव होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये पांच रूल मिले हैं, इससे एक हम सदिश समष्टि कहेंगे, ठीक है, सदिश समष्टि प्रूफ होती है। इसके एग्जाम्पल्स जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके काफी, ठीक है, समझने वाली बात है क्योंकि डेफिनेशन भी है जो दो नंबर की आपको पेपर में जरूर मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।